तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा परिवार ठीक होगा और आप भी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, वो है आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाब में की गई घोषणाएं और उनका ये मैनिफेस्टो मेरे पास है, देखिए दोस्तों। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आप सब लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहे। और आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट को पा करके दोस्तों, मैं नए नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के इस मैनिफेस्टो को लेकर के। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने जो घोषणाएं की हैं इसके अंदर, उसके ऊपर मैंने पहले विस्तार से एक वीडियो बना दी है और दूसरी ये बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं मोटी मोटी जानकारियाँ आपको दे देता हूँ। सबसे पहली बात जो है दोस्तों, यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ी घोषणा की है वो है, अगर मान लीजिए कोई लड़की 18 साल से ऊपर की हो जाती है, चाहे वो शादीशुदा है चाहे कुंवारी है, उसको 1000 रुपये महीना दिया जाएगा। और दूसरी जो बड़ी घोषणा है दोस्तों, वो है सरकारी अस्पतालों को लेकर के, कि जो पुराने सरकारी अस्पताल हैं उनका विस्तार किया जाएगा और नए सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे और उनके अंदर तमाम सुविधाएँ आपको दवाइयों से लेकर के इलाज तक, ऑपरेशन तक मुफ्त दी जाएंगी दोस्तों। ये आम आदमी पार्टी की दो बड़ी घोषणाएँ हैं दोस्तों। और बिजली के अंदर भी इन्होंने कुछ प्रावधान किया है, उसके ऊपर कुछ यूनिटें इन्होंने माफ़ की हैं और कुछ पैसे भी कम किए हैं। और एक योजना और है इनकी दोस्तों, नशा मुक्ति की, कि जो नशे से हमारे पंजाब को मुक्ति अभी तक नहीं मिली वो मिल जाएगी। खैर, वो तो समय बताएगा दोस्तों कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर इन कामों में कितनी सक्सेसफुल होती है। समय भी लगेगा, उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि पंजाब के अंदर हालात इस समय उतने अच्छे नहीं हैं और यहाँ के लोग भी काफ़ी निराश हैं। अच्छे इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काम नहीं हुए पूरी तरह से, ना गांव के अंदर हुए हैं काम और ना शहरों के अंदर हुए हैं। हालांकि कांग्रेस सरकार ये कह रही है कि उन्होंने पैसा बहुत दिया है कामों के लिए, लेकिन वो पैसा यहाँ पर दोस्तों पूरी तरह से लगा नहीं। तो उसकी जवाबदेही कौन करेगा? उसकी जवाबदेही तो सरकार कर सकती है दोस्तों, हम तो कर नहीं सकते। हम तो एक दो वीडियो बना करके डाल देंगे तो उसका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। वो वीडियो जनता के बीच तो जाएगी, जनता तो सोचेगी देखेगी उस वीडियो को, लेकिन कुछ कर नहीं सकती दोस्तों। सरकार ही जवाब तलब कर सकती है, हम नहीं कर सकते दोस्तों। तो वो सरकार का और उनका मुद्दा है, हमें इससे क्या लेना, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर जो घोषणाएं की गई हैं दोस्तों, वो काफ़ी काबिले तारीफ़ हैं और यहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा गया है। एक मौका केजरीवाल को, एक मौका भगवंत मान को, झाड़ू को वोट दें, आपकी क्रांति झाड़ू को वोट दें। तो ये है दोस्तों सिस्टम यहाँ पर, जो इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है। और भगवंत मान जी की और केजरीवाल जी की और रंधावा जी की यहाँ पर फोटो लगी हुई है दोस्तों, और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ सारा सिस्टम, ताकि आप यकीन कर लें, आप ये ना सोचें कि मैं झूठी वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए, हमारे केजरीवाल जी हैं और हमारे भगवंत मान जी हैं, ये देख लीजिए आप। और आगे मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर रंधावा जी की, ये देखिए रंधावा जी हैं हमारे विधायक डेरा बसीदे जो खड़े हुए हैं इलेक्शन में। ये देखिए दोस्तों, रंधावा जी और केजरीवाल जी की फ़ोटो, ताकि आपको विश्वास आ जाए कि मैं सच्ची वीडियो बना रहा हूँ। और ये हैं हमारे भगवंत मान जी, जो काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं और अब भी चर्चा में हैं, पंजाब के सीएम बनेंगे ये। और यहाँ पर जो है इन्होंने जो घोषणाएं की हैं दोस्तों, वो सारी इसके अंदर, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख लीजिए, ये जो घोषणाएं इन्होंने की है, ये सारी घोषणाएं इसके अंदर आ जाएंगी दोस्तों, ठीक है जी। तो यहाँ पर फिर केजरीवाल जी की फ़ोटो आ गई है, देखिए नीचे की तरफ। और इसमें आगे क्या है दोस्तों, आगे इसमें ये हैं दे रखे हैं इन्होंने जो सिस्टम और बना रखा है आगे, तो इसको भी आप देख लें, अच्छी तरह से देख लें, ताकि आपको विश्वास आ जाए। और ये दिल्ली वाले जो हैं, जिन्होंने कहा है कि जाने दिल्ली वालों की जुबानी, आपकी क्रांति, ये जो दिल्ली के अंदर काम हो रहे हैं दोस्तों, उनको लेकर के दिल्लीवासी प्रशंसा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की और केजरीवाल जी की। तो ये काफ़ी काबिले तारीफ बात है दोस्तों, मैं प्रशंसा करता हूँ। और केजरीवाल जी एक अच्छे इंसान हैं, पॉजिटिविटली वो सोचते हैं और मुस्कुराते रहते हैं 24 घंटे, तो अच्छा काम वो करते हैं, मुस्कुराना भी चाहिए। और मुस्कुराता वही है दोस्तों जो फिक्र होने के बावजूद काम मुस्कुरा करके करता है, अच्छे ढंग से करता है और सदा खुश रहता है, सबको अपना मान करके चलता है, किसी के प्रति कोई गलत फहमी नहीं रखता, ना ही कोई गुस्सा रखता है अपने तन मन धन में और अपने दिमाग के अंदर। और तन मन धन की जो बात की है दोस्तों मैंने, वो भी ज़रूरी है, और अपना दिमाग आप सही दिशा में चलाएं वो भी ज़रूरी है। तो केजरीवाल जी एक अच्छे उभरते हुए जो है सीएम के तौर पर दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं और यहाँ
पंजाब के अंदर उन्होंने एक चीफ कन्वीनर की भूमिका निभाई है और भगवंत मान जी को जो है यहाँ का सीएम चुन लिया है। तो देखते हैं दोस्तों 10 मार्च को पता लगेगा कि आम आदमी पार्टी अपना झंडा पंजाब में लहरा पाती है या नहीं, फिर या फिर कांग्रेस की सरकार यहाँ पर दोबारा आती है। दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि दोनों पार्टियाँ ही काम करने में अच्छी हैं। आम आदमी पार्टी को एक मौका भगवंत मान जी और केजरीवाल जी मांग रहे हैं, देना चाहिए मेरी तरफ से, तो मैं तो यही सोचता हूँ। लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ कह नहीं सकते, कांग्रेस भी एक अच्छी पार्टी है, मैं प्रशंसा करता हूँ कांग्रेस की भी, ऐसी बात नहीं कि मैं कांग्रेस की प्रशंसा नहीं करता, कांग्रेस की भी मैं प्रशंसा करता हूँ दोस्तों और आम आदमी पार्टी की भी मैं प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि ये दोनों पार्टियाँ ही अच्छी हैं और काम करें मैं यही चाहता हूँ। चाहे कांग्रेस की सरकार बने चाहे आम आदमी पार्टी की बने, तो पंजाब में यहाँ जो गाँव में रुके पड़े काम हैं वो होने चाहिए और जो शहरों में रुके काम हैं वो होने चाहिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का जो है ख्याल रखिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।